अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2018 में पूछा था, फॉर व्हिच टी इज द एनेबल लेट जेईई ऑफ टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर या लेस देन और इक्वल्स टू टी देन द लिमिट लिमिट इक्वल्स लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स इनटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है डजंट एग्जिस्ट इन आर इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 15 एंड इज इक्वल्स टू 120। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? अपने को बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 अपॉन एक्स। किसी भी जेआईएफ को एक्स माइनस उसके फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। सिमिलर सेकंड स्टेप को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स, ये है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। सिमिलर सारे टर्म्स को हम लिख सकते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है एक्स से और एक्स पे लिमिट लगाई है एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट सबको एक साइड कर देंगे और बाकी वाली सीरीज को एक साइड लिखेंगे और एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जैसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास सीरीज होने की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये सब एक साइड आ जाएंगे। तो एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स 15 अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 3 अपॉन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट से लेकर ये भी 15 तक। इसको अंदर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा है, ये नोट कर दिया होगा, ये मिटा देते हैं। अंदर जैसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन वाले सबको हटा देगा तो ये लिखा है, तो ये आ जाएगा लिमिट यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 15 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। ओके, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/0 और ये एक्स इंटू 1/1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस सिमिलर 15/ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, ओके, इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा 15 प्लस 1/2। ओके, प्लस यहाँ पे जैसे लिमिट लगाएंगे, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से 1 के बीच में कुछ रहा होगा, उसको 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सारे फ्रैक्शनल पार्ट मिलकर कुछ फाइनाइट वैल्यूज आएगी जो 0 से 1 के बीच में होंगे, उसको 0 से मल्टीप्लाई करके ये ओवरऑल सबको क्या कर देगा, 0 बना देगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, ये 8 8 × 15 हो जाएगा अपने पास 120। ठीक, तो 120 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो 120 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट द रॉन्ग इज इक्वल टू 0 इज रॉन्ग इज 15 इज रॉन्ग इज इक्वल टू 120, तो 120 इज द करेक्ट ऑप्शन।